हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मेल आते हैं एंड वो कमेंट्स भी करते हैं कि प्लीज़ भैया हमें बता दीजिए कि हम नोट्स कैसे बनाएं। हम नोट्स तो बनाते हैं बट वो हमारे इतना वास्ट होता है, इतना बड़ा होता है कि वो हम एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ ही नहीं कर पाते हैं एंड जो फ़ायदा हमें नोट्स का मिलना चाहिए वो हमें मिल ही नहीं पाता है। और बहुत से लोग को भी आइडिया भी नहीं कि एक्चुअल में हम नोट्स कैसे बनाते हैं, स्मार्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ अपने नोट्स में नहीं लिख सकते। तो आज इस बारे में बात करेंगे, कुछ चीज़ें मैं कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड ये कुछ पर्सनलाइज नोट्स हैं मेरे, ये मैं पर्सनल एकदम है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिले कि किस तरह से नोट्स बनाते हैं। देखिए, नोट्स के बारे में सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नोट्स उस चीज का बनाया जाता है जो आपको पर्सनली लगता है कि वो चीज आपको याद नहीं हो रही है, या आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, इसके आने के बहुत चांसेस हैं एंड आप भूल जाएंगे और आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो उस चीज का आपको नोट्स बनाना है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि वो कहते हैं कि घटना चक्र के नोट्स बनाइए, लूसेंट के भी थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लीजिए। तो घटना चक्र के नोट्स बनाने का मतलब यह है कि पूरी अगर 500-600 पेजेस की घटना चक्र है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी होता है क्वेश्चंस के नीचे, तो आप पूरे का नोट्स नहीं बना सकते हैं, आपको ये बात समझना पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप जब एक बार दो बार तीन बार रीडिंग करते हैं बुक की तो वो आपको याद हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको सबकॉन्शियसली पता होती हैं, तो वो आपको अपने नोट्स में शामिल नहीं करनी होती है। तो आपको सबसे पहला जो रूल है नोट मेकिंग का वो ये है कि आपको नोट्स में हर चीज़ नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट जो किताब में छपा है वो चीज़ नहीं लिखनी है, आपको उसको अपने शब्दों में जैसे आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे भी आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं, आपको अपने नोट्स में उस चीज़ को शामिल करना है। जो चीज़ आपने, जैसे आपने मान लीजिए बुक पढ़ा, कोई भी आपने सोर्स पढ़ा, कहीं से भी कुछ भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपने एक बार दो बार तीन बार चार बार रीडिंग की, उसके बाद आपने देखा यार ये चीज़ें, जैसे आपने मान लीजिए कोई चार टॉपिक पढ़े, चार टॉपिक में से आपने देखा 40 लाइनें हैं, 40 लाइन में आपने देखा कि यार 30 लाइनें मुझे याद हो गई हैं, मुझे एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है, कभी भी पूछ लो मैं आपको बता दूंगा और मैं बताने में कोई भी मुझे हिचकिचाहट नहीं होती है, लेकिन 10 लाइनें उसमें से ऐसी हैं जो मुझे, मैं बार बार भूलती हूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो आपको उन 10 लाइनों का नोट्स बनाना है एकदम शॉर्ट में, 4-5 कीवर्ड में। और दूसरा रूल जो है, तीसरा रूल आप जो भी कह लें, वो एक ये है कि मान लीजिए आपने एक पन्ना पढ़ा तो एक पन्ने का एक लाइन में आपने अगर कोई कीवर्ड नोट कर लिया, कोई एक लाइन में आपने चीज नोट्स कर ली, तो वो आपके नोट्स हैं। नोट्स का रूल होता है सिंपल 10% रूल। 10% रूल का मतलब क्या है कि मतलब अगर आपने 10 पन्ने पढ़े, 10 पेजेस पढ़े, तो एक पेज जो होगा वो आपका नोट्स होगा। अगर आपने 10 पन्ने पढ़े और आपने अगर 6 पन्ने का बनाया है तो वो आपका नोट्स नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके नोट्स शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए। देखिए, एग्जाम के पहले जब आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का, मेंस का, इवन इंटरव्यू के भी पहले, तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप अपने 200-300-400 पन्ने की जो बुक्स हैं आपकी, वो भी इतनी सारी, हर सब्जेक्ट की एक बुक है, कोई कोई तो दो दो रखे होता है, फिर आपके पास टेस्ट सीरीज भी होती है, फिर आपके पास करंट अफेयर्स भी होती है, तो इतना सब आप कैसे रिवाइज करेंगे। तो आपको उस समय नोट्स की जरूरत होती है और वो नोट्स जितने शॉर्ट होंगे, जितने टू द पॉइंट होंगे, जितने एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और जितना क्रिस्प होंगे, उतना आपको फायदा होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं नोट्स की, बाकी मैं नोट्स के बारे में और भी चीज़ें बताता रहूँगा। जैसे कि देखिए, नोट्स आपको उन चीज़ों के बनाने हैं जिनसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आने की उम्मीद होती है। नोट्स में आपको कुछ भी नहीं लिख लेना है, तो नोट्स इसीलिए बहुत ही फिल्टर्ड फॉर्म होता है, तो उसको आप जितना रिवाइज करते हैं उतना आपके चांस मैक्सिमाइज होते हैं कि आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनते हैं, जीएस के तो बनते ही बनते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं, मैं आपको अपने जो पर्सनलाइज नोट्स हैं उनके थ्रू पूरा डेमो देकर के दिखाता हूं ताकि आप बेटर वे में समझ पाएं कि मैं क्या बात कर रहा हूं और मैं आपको थोड़ा बेटर वे में समझा पाऊंगा। बाकी जो और टिप्स हैं, जो चीजें हैं, वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा, तो इसी के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, पहले इस वाले को ले लेते हैं, बहुत से लोग परेशान रहते हैं यूपी स्पेशल कैसे तैयार करें। तो अब देखिए, यूपी स्पेशल में इस तरीके से ये जितनी भी हैं ये ट्राइब्स हैं, पांखा, पनिका, मिर्जा, ये सारी जो आपकी है, सब कास्ट हैं, कास्ट हैं। तो इसमें ये है कि ये ट्राइब कहाँ पर मिलती हैं, सोनभद्र में मिलती हैं, सहरिया है ललितपुर में है, चेरो है वाराणसी और सोनभद्र में है, खरवार है तो खरवार कहाँ कहाँ मिलती है, देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में, वाराणसी में, सोनभद्र में, गोंड समूह कहाँ पर है, आपने यह ऐसे लिख लिया। तो इस तरह से अब आपने साफ साफ बनाया। अब देखिए, ये यहाँ पे है यूपी में, देखिए सबसे पहले राष्ट्रीयकृत परिवहन कब आया, 15 मई 1947 में। राज्य सड़क परिवहन निगम कब बना, 1 जून 1972 में। कितने जगहों पे, 21 क्षेत्रों में। एक्सप्रेस बस सर्विस कब आई, 1993 में आई। यूपी में सबसे पहले महानगर बस सेवा कब आई थी, 6 जुलाई 1992 को। इस तरह से देखिए, लखनऊ योजना है, महाभारत, ऑस्ट्रिया है, इसमें 7 स्वरों को डिस्कस किया गया है। हिस्ट्री में आपसे एकदम से ऐसा फैक्ट पूछ लेगा कि भैया 7 स्वरों को डिस्कस सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो आप बताएंगे कि महाभारत और अष्टाध्यायी में 7 स्वरों को डिस्कस किया गया था। अब पूछा जाएगा कजरी, आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसमें सावन में महिलाओं द्वारा कजरी किया जाता है। राहुला है, ये बुंदेलखंड का पूछा जाएगा, राहुला क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, राहुला क्या है, 4 जगह दे देगा, उसमें आपको बताना होगा कि हाँ भाई बुंदेलखंड का है, ईस्टर्न यूपी का है, वेस्टर्न का है कि किधर का है। तो आपको देखिए इसमें मिल रहा है कि बुंदेलखंड का लोकनाट्य है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा ऐसा दिखा देता हूं,
ठीक है। सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं, पीलीभीत में लगते हैं। चौरसिया कहाँ का है, जौनपुर में कहारों के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से प्रयाग संगीत समिति है, या चरकुला है, पाईडंडा है, रायु डांस है, शहरा डांस है। दीपावली जो है ये अहिरों के द्वारा सिर पर दिए रखकर किया जाता है। इसी तरीके से कार्तिक गीत है, धोबिया राग है, धीवर राग है, कहाँ जाति के द्वारा करते हैं। इस तरह से देखिए पूरा एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, मतलब जो एक एक लाइन है ये एग्जाम में कभी पूछी जा सकती है क्वेश्चन के रूप में। तो ये इसको बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होना, और ये मैं स्पेशियस बनाता हूँ। मैंने बहुत से लोग को देखा है वो मतलब इतना इतना कंजस्टेड बनाएंगे कि एक पेज में बिल्कुल उनके स्पेस नहीं बचेगा, एकदम छोटा 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 छोटा। आई एग्री कि उससे पेज बचता है, 10 पेज में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर आप साफ बनाएंगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा। मान लीजिए आपने अटेम्प्ट दिया, एक साल में आपका नहीं हुआ, तो आप दूसरे साल क्या फिर वो नोट्स के बाद दोबारा नोट्स बनाएंगे? तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप साफ साफ बनाएंगे तो आप उसको दोबारा दूसरे अटेम्प्ट में कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड में बनाया है तो आप उसमें फिर कुछ नोट्स वोट्स ऐड नहीं कर पाएंगे। मेरे पास देखिए यहाँ पे सफिशिएंट जगह है, मुझे कोई चीज़ नोट करनी होती है मैं यहीं कर लेता हूँ। अभी आगे के नोट्स में आपको दिखाऊंगा कि वो एकदम मैंने उसमें बीच बीच में ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। तो उससे क्या होता है, आगे आपको कोई चीज़ मिलती जाए, जैसे जैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज लगाई, कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी बनारस घराने के आप पढ़ रहे हैं, अब आपने देखा कि भैया यहाँ पे ये पाँच लोग हैं, कंठे महाराज हैं, किशन महाराज हैं, पंडित शांता प्रसाद मिश्र हैं, पंडित राजा हैं, पंडित साजन मिश्रा हैं, ये आपने देखा। मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज लगाई, आपको कोई एक दो लोग और मिल गए, तो आपने इसका यहीं पर नोट कर लिया, पूर घराना है। ये सब मतलब टू द पॉइंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। ये आप अगर एग्जाम के पहले पूरी किताब नहीं पढ़ पाएंगे, जो घटनाचक्र की किताब है, एस चांद की किताब है, टीएमएच पब्लिकेशन की किताब है, राकेश सरस्वत जी की, आप वो नहीं पढ़ पाएंगे, आप अपने नोट्स ही रिवाइज कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाने हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा मैं लाल पीला काला नीला नहीं करता हूँ, जनरली दो पेन का यूज़ करता हूँ, रेड ब्लैक ब्लू, या इसी तरीके से ब्लू ग्रीन ब्लू रेड, तो इस तरीके से मैं प्रयास करता हूँ। जैसे किराना घराना है, बांसुरी वादक है, प्रयागराज की है, जानकी बाई है, छप्पन चुरी थी, मीठी आवाज़ के लिए बहुत पॉपुलर थी, शाहजहाँपुर घराना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, वाजिद अली शाह है, लखनऊ की कथक शैली है, लखनऊ घराना है, मोदू खां है, इस तरीके से आप देख लीजिए। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, इसमें पूरा मतलब है, मतलब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए मैंने इसमें सब चीज़ नहीं लिखी है, आप इसको इस चीज़ से मिस इंटरप्रेट ना करिएगा कि इसमें मैंने सब लिखा है। मैं सब कभी भी ना पढ़ाने पर जोर देता हूँ ना पढ़ने पर जोर देता हूँ। आपको कभी भी पूरी चीज़ नहीं पढ़नी है, वो पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है। मैंने देखा है बहुत जगह पे बहुत सी चीज़ें होती है, उसमें पीडीएफ में सब होता है, सब सब पढ़ने से फिर आप फिर कोचिंग का मतलब क्या हुआ, गाइड का मतलब क्या हुआ, मेंटर का मतलब क्या हुआ? आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। मैं आपको वही चीज़ें शेयर करूँगा, वही चीज़ें बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, और आप जब हो जाएगा आपका एग्ज़ाम तो आप खुद देखिएगा कि आप क्या परफॉर्म कर पाते हैं, कितना मटेरियल आपको पढ़ा हुआ मिलता है, क्या आपको फ़ायदा होता है नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखाता हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। आई होप कि आपको इससे कुछ समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, अब जैसे हरिदास के आठ शिष्य हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन दिए गए हैं, नाद विनोद में कौन कौन से दिए गए हैं। बैजू है, तानसेन है, गोपाल लाल है, मदन है, रामदास हैं, दिवाकर पंडित हैं, सौरसेन हैं, सोमनाथ पंडित हैं, वीड़ा में 18 की जगह 22-24 परे लगवाई थी इन्होंने। और इसके अलावा बात करें तानसेन है, वीड़ा हरिदास से सीखी थी, ध्रुपद गायन शैली गोबरहार की है। तो इस तरीके से आप मतलब देख लीजिए, मथुरा में हरिदास जयंती मनाई जाती है, ध्रुपद मेला मनाया जाता है, हरिवासी संप्रदाय है, शंभू महाराज हैं, ठुमरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, पंजाब किशोरी मियाँ टप्पा शैली पॉपुलराइज किया था, फैजाबाद में रहे थे, वाराणसी में कथक नृत्य है, सितारा देवी और अलकनंदा देवी इसके बहुत ही पॉपुलर है, वाराणसी में टप्पा गायन, इसमें आप देख लीजिए ये चार पांच नाम पॉपुलर हैं। तो इस तरीके से आपको ये एक मिल जाता है, इसको मैं अलग रख देता हूँ। उसके बाद में बात करते हैं ये वाली, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये हिस्ट्री की है, इसमें ये देखिए अष्टाध्यायी है, पूर्व मौर्य की रीति वार्तिक है, किसने लिखी है, क्या है इसकी क्या खास बातें हैं, दिव्यावदान है, ललित विस्तार है, वहाँ वस्तु है, संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ हैं, ये दीपवंश महावंश है, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, सिंह ये बौद्ध ग्रंथ हैं, सिंगल ये मौर्य शाक्य विवरण इसमें दिया गया, बुद्ध चरित्र क्या है, गौतम बुद्ध के विविध चरित्रों का विवरण है, नवशासंग चरित्रम क्या है, पदम गुप्त का है, संस्कृत साहित्य का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है, परमार सिंधु नवशासंग की जानकारी मिलती है, कल्याणी, इस तरीके से आप ये एक एक लाइन, ये एक एक फैक्ट बन जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर में, ये एक एक फैक्ट कभी भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। सो इस तरीके के नोट्स आपको बनाने हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको वही पढ़ना है, वही लिखना है जो आपके नोट्स में आ सकता है, आपके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देख लीजिए, इसमें सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ पे सब लिख रखा है। ये भी लिख रखा है कि कौन किसके टाइम पे हुआ करता था, कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा था जो कवि हुआ करता था, तो वो सारी चीज़ें देखिए इसमें हैं। जयचंद है, हमीर देव है, रजना टू है, मुद्रा रक्षस किसके टाइम की थी, वृहत कथा मंजरी किसके टाइम की थी, कौन था, कथा सरी सागर किसने लिखी है, क्या है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जैसे मालविका अग्निमित्रम है तो ये शुंग वंश के उसमें थी, मृक्ष कटकम है तो ये गुप्त समाज के बारे में बताती है, संध्याकर नंदी है, रामचरित लिखा हुआ है इन्होंने, त्रिपिटक किस भाषा में है, पाली भाषा में है, त्रिपिटक के अलावा दीपवंश महावंश जो हैं, मिलिंदपन हो, बौद्ध ग्रंथ हैं, अभिधम्म क्या है, सुप्त क्या है, विनय पिटक क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके दिखा देता हूँ।
ये आप देख सकते हैं, ये आप इधर अब ये देख लीजिए, जैसे गृह सूत्र क्या होता है, धर्म सूत्र क्या होता है, शुल्ब सूत्र क्या होता है, ऋग्वेद में क्या क्या है, किसके बारे में दिया गया है, किनका किनका जिक्र किया गया है, यजुर्वेद किस भाषा में है, यजुर्वेद कृष्ण शुक्ल गद्य पद्य, ये सब आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ है, जो पुराण है, अथर्ववेद है, अथर्ववेद के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या इसकी खास बातें हैं। अब जैसे ये देखिए, ये देखिए नोट्स में, ये वाला क्वेश्चन आपको मिला होगा, विष्णु पुराण मौर्य वायु पुराण गुप्त, ये देखिए नोट्स में है। तो अब इस तरीके से जब आपके नोट्स में ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो आपके नंबर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। तो आपको भटकना नहीं है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं पर्सनलाइज, एंड उसके बाद में आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करेंगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप इधर उधर भटकते रहेंगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। और ये सब नोट्स ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह से हैं, या इसमें टेस्ट सीरीज का भी रोल है, इसमें PYQ का भी रोल है, इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स का भी रोल है, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं, और मतलब मेहनत है ये प्रॉपर। ये मेहनत जब आप करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब जैसे ये वाला है, ये देखिए, जो भीष्म पर्व है, 6 पर्व हैं, इसमें भाग में गीता, कर्म भक्ति ज्ञान का संगम, ये क्वेश्चन इस बार आया था, UPSC 2023 में आया था, या फिर ये UPSC में आया था, किसी में एक ही आया था, मुझे ये प्रॉपर याद है। ये वाला आप देख लीजिएगा कि किस में आया था, आप ही बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो और आपको दूसरा दिखा देता हूँ। अब जैसे ये है, ये देखिए, ये काफ़ी बार मैंने रिवाइज़ कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मार्किंग ज़्यादा है, तो आई होप उसको आप माइंड नहीं करेंगे, बेटर वे में समझ पाएंगे। ये यूपी स्पेशल जो है, इसमें जो यूपी की ज्योग्राफी वगैरह है उसके लिए है, जैसे इटावा है, चंबल है, ठीक है, चंबल और यमुना इटावा में, हमीरपुर यमुना बेतवा, बांधा में भोजा यमुना केन, यमुना वृह चाप का निर्माण करती है, रामगंगा दूधर टोला श्रेणी से निकलती है पौड़ी गढ़वाल से, रामगंगा कालागढ़ बिजनौर में से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, शारदा कुमाऊं हिमालयास मिलांग ग्लेशियर से निकलती है, इसको नोन एज काली गंगा गौरी गंगा, शारदा ब्रह्मदेव से मैदानी भागों में, और ये जिगजैग टाइप नदी है, बहराम घाट शारदा प्लस घाघरा, शारदा और घाघरा बहराम घाट में मिलती हैं। इस तरीके से देखिए आप, ये इस तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं। आप रिवर्स का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन इधर की नॉर्थ इंडिया की, कोई भी रिवर का क्वेश्चन आए, देखिए मेरा इससे आराम से निकल जाएगा। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से नोट्स बनाने हैं, जो आप जिससे आपका फ़ायदा हो। आपको कॉपी में हर चीज़ नहीं लिख लेनी है कि आप पैरा बना बना के हर चीज़ लिख रहे हैं। देख लीजिए इसमें कौन सा बांध है, क्या है, बेतवा में क्या है, केन में क्या है, सोन में क्या है, ये सब चीज़ें आपको इस तरह से करनी है। जैसे गोमती है, इसमें देखिए गोमती जो है ये पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है, उसके बाद में पीलीभीत शाहजहाँपुर खीरी एलकेओ, इसमें आपको देखिए ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टोंस जो है कहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, इस पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, सिरसा प्रयागराज में गंगा और टोंस है, एक अलग टोंस होती है, वो यूपी में नहीं बहती है, वो बंदरपुर से निकलकर यमुना में बहती है। तो ये देखिए रिवर्स के बारे में पूरा मतलब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, अगर जब मुझे कभी रिवाइज करना होता था तो मुझे कभी दिक्कत नहीं होती थी। ये देखिए परीक्षा बांध है बेतवा पे, माता टीला बांध बेतवा पे है, सुकमा डुकमा बेतवा पे है, पथराई बांध पथराई सुकनाई झांसी में है। तो ये देखिए 4 मैंने डैम झांसी के लिख रखे हैं, सोनभद्र का मैंने लिख रखा है कि भाई वहाँ पे कौन कौन से हैं, महोबा मैंने लिख रखा है कि भाई यहाँ पे अर्जुन है, सलारपुर है करदिया नदी पे, चकिया चंदौली हमीरपुर में मौदहा बांध है बिरमा नदी पे। इस तरीके से आप इधर आ जाएंगे तो आप देखेंगे चित्रकूट में ये गढ़वा है, गढ़वा ललितपुर है, मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर के जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं प्रॉपर कायदे से। अब इसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश वन निगम है, पहली वन नीति है, देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश में वनावरण वृद्धि कितनी हुई है, क्या यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे चल रहा है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, इस टाइम आम है ये कहाँ होता है, अमरूद की वैरायटीज़, पान की वैरायटीज़, उद्यान प्रसंस्करण विभाग है ये कब बनाता है, तुरंत आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में, आम है, आम का प्रशिक्षण प्रयोग केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो इस तरीके से आपको नोट्स अपने बहुत ही टू द पॉइंट क्रिस्प क्लियर बनाने हैं, ताकि तुरंत आपको एग्ज़ाम में वो रिटर्न दें। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करने का प्रयास करता हूँ, आई होप कि आपको इससे काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसा नहीं है कि ये आज अंत हो रहा है, मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप कम समय में अच्छे नोट्स बना सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं है आपके पास 5,000-6,000 रुपये, नहीं है आपके पास 1,200 रुपये कि आप कोई कोचिंग का बैच ज्वाइन कर पाएँ, तब भी अगर आप RUR की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UPSC में बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं जितना अपनी तरफ से बेटर आपके लिए कर सकूँ उतना मैं करूँ, बट वही है कि आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करिए तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएँ। अब लोग जब नए जुड़ते हैं तो वो वीडियोज़ उनको मिलते नहीं हैं, फिर वो कहते हैं कि भैया ये वीडियो बना दीजिए, वो बता दीजिए प्लीज़, एंड फिर मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, बिकॉज जब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप कैसे जानेंगे कि मेरा कौन सा वीडियो है क्या है। तो ये तो फिर आप ही का काम है। देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना, बार बार बोलो कि सब्सक्राइब कर लो, मतलब अजीब सा लगता है। इट्स जस्ट कि आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप खुद करेंगे, नहीं लगेगा तो भी आप कम से कम बताइए कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप ही के ऊपर है। मतलब मेरा काम तो बस यही है कि हाँ, अगर 10 लोग भी देखेंगे तो मैं बताता रहूँगा। बाकी मेरा कोई कोचिंग, मेरा कोई बैच इस तरीके का कुछ भी नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इससे कोई पर्सनल गेन है। आपको करना है करिए, अगर आपको ना अच्छा लगे तो नहीं करिए, कोई ऐसी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको इससे आइडिया लग रहा होगा।
जैसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, तो ये कितने किलोमीटर का है, कितने करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, 4 लेन है, इसको 6 लेन तक इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। गोरखपुर के जैतपुर बाईपास से आजमगढ़ तक जाएगा ये, सलारपुर में यहाँ पे जुड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से, किस किस से गुजरता है ये आपको देख लीजिए, क्योंकि एक्सप्रेस वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्सप्रेस वे से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट कर रखा है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी नहरें हैं, 1823 हो गया, 1830 हो गया, 1854 हो गया, 1878 हो गया, 1885 हो गया, कौन सी नहर कब बनाई गई थी, कब निकाली गई थी, किससे किसको फ़ायदा होगा, तो आप देखिए ये टू द पॉइंट एकदम नोट्स हैं यहाँ पे। सबसे पुरानी कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर की क्या खास बातें हैं, मतलब यूपी स्पेशल तो मैंने इतना अच्छे से तैयार कर रखा था कि मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। यूपी स्पेशल तो मेरी मतलब आपसे सॉर्ट ऑफ मैं कह सकता हूँ कि गारंटी है कि मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी लोग यूपी स्पेशल के लिए परेशान है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, यूपी स्पेशल के लिए आप मुझ पर रिलाई कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई आपको पैसे वैसे देने पड़ेंगे, इस जस्ट कि मैं सब अपने वीडियोज़ के थ्रू शेयर करूँगा, बट आपका काम ये है कि अगर आपको कम समय में अच्छी जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं कि आप बिना पैसे के भी, बिना कोई पेड कोर्स और इन सब चीज़ों के भी चीज़ें सीख पाएं, तो फिर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरे लेक्चर ही आपको काफ़ी फ़ायदा दे देंगे, तो पेड बैच और इन सब के बिना भी आप तैयारी कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, शारदा नहर है, शारदा सहायक परियोजना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। या थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा नोट्स दिखा दूँ, वरना फिर आप सोचोगे कि बस दो ही मुझे बुकलेट दिखाई, हर तरीके का मैं आपको दिखा देता हूँ, यूपी का दिखा देता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। देखो यार इस तरीके का है, अब इसको इतनी बार पढ़ा है, ये सब रटा हुआ है मतलब लिटरली, तो क्या है कि अब इतने गोले वोले बन जाते हैं, ऐसे ऐसे करके पढ़ लिया है, तो मतलब वही है, पहली बार मैं पढ़ता हूँ तो नॉर्मल पढ़ा, दूसरी बार मैं, तीसरी बार मैं पढ़ा तो उसको एकदम गोला गोला कर लिया, तो यार इस तरीके का हो जाता है। आई होप यू वॉन्ट माइंड। उसके बाद में फिर क्या होता है, पूरा रट गया तो फिर उसको ऐसे करके काट दिया, मतलब याद है, मतलब पता है, इसको कुछ पढ़ना नहीं है, मतलब पता है, तो फिर उसको काट दिया, ऐसे ही क्या वैल्यू है उसकी, याद हो गया, दिमाग में आ गया, मेन जो काम उसका था वो पूरा हो गया। अब आप ये देख सकते हैं किसको कहाँ फांसी दी गई थी, कौन कहाँ पैदा हुआ था, कोई अगर इंपॉर्टेंट ऐसा महान विभूति है तो उसका यहाँ पे पूरा तैयार कर रखा है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे मेजा बांध बेलन नदी पे है मिर्जापुर में, इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। राजघाट बांध कहाँ पर है, बेतवा पर है। ललितपुर में कौन सा है, रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय। मौधा बांध कहाँ पर है, बर्मा नदी पर है हमीरपुर में। अर्जुन बांध कहाँ पर है, अर्जुन नदी महोबा। इस तरीके से आपको नोट्स अपने टू द पॉइंट बनाने हैं। आई होप कि आपको इससे काफ़ी आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से कौन सी चीज़ें करनी। यूपी स्पेशल का यार पूरा है, मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए है, रानीपुर वन्यजीव विहार है, बंदा चित्रकूट में है, और भी जो भी चीज़ें हैं जो जहाँ पे है, जैसे सोहिलवा है, बल्लामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, जो भी देख लीजिए आप ये चीज़ें, किशनपुर है, लखीमपुर खीरी, विजयसागर, महोबा, पटना, एटा, दरवान झील, अयोध्या, इस तरीके से ये चीज़ें हैं। आई होप कि आपको इससे कुछ समझ में आ रहा होगा बेटर वे में, ये आप देख सकते हैं। बाकी कहाँ कहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें, कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है। आगे चलते हैं इसमें, ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो उसके बाद में जैसे ये टेस्ट वेस्ट लगाया, बहुत से लोग पूछते हैं ना कि हम टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। टेस्ट में नंबर का ये, जैसे आपने इस तरीके से मान लीजिए पूरा ही गोला गोला करके आपने बबल किया, उसके बाद में यहाँ पे आपने लिख लिया कि हाँ भाई मैंने कितने अटैम्प्ट किए, कितने मेरे सही हुए, कितने मेरे गलत हुए। उसके बाद में इस तरीके से आपने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके गलत हुए थे, वो आपने यहीं कहीं नोट्स बना लिया, जो आपके गलत हुए थे, जो आपको लग रहा है कि भाई आप भूल सकते हो, तो आपने इस तरीके से उसका नोट्स बना लिया। अब आप नहीं भूलोगे, अब आप इसी को रिवाइज कर लो। ऐसा नहीं है कि जब आप यूपीएससी की कॉपी लाओगे तभी आपकी तैयारी होगी, ये टेस्ट दिया ये बच गया, इसी को यहीं पर यूटिलाइज कर लो। तो इस तरह से ज़्यादा निकालने का देखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद में ये यूपी के यार कुछ कुछ और चीज़ें हैं, देख सकते हो थोड़ा सा, ये नोट्स अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, आई होप कि आपको इससे आइडिया मिले, देख सकते हो ये इस तरीके से हैं। इसमें भी काफ़ी इसमें मतलब यूपी स्पेशल का यार पूरा है, मतलब यूपी स्पेशल मुझे एक्चुअली रटा हुआ था काफ़ी, मेरा यूपी स्पेशल मतलब अब ऐड हुआ है यहाँ पे ऑप्शनल की वजह से, जब ऑप्शनल हटा है, लेकिन यूपी स्पेशल मुझे पहले भी पढ़ना अच्छा लगता था, अपने राज्य के बारे में पढ़ना किसको नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी पढ़ता रहता था, तो यूपी स्पेशल मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से मेरे इसके जो नोट्स हैं वो पर्सनली थोड़ा सा बहुत अच्छे और काफ़ी टू द पॉइंट बने हुए हैं, तो उसमें सही रहता था। जितने भी यूपी की स्पेशल हिस्ट्री है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूपी के यूपी स्पेशल की हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, उन सब के नोट्स मेरे पास अच्छे से बने हुए थे। कौन सी यहाँ की योजना है, यहाँ पे कौन सी फसलें होती हैं, रबी की कौन सी हैं, खरीफ की कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे नोट्स में ईजिली मिल जाती थी, तो मुझे कोई भी और सोर्स नहीं पढ़ना पड़ता था, कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ती थी, मुझे बस अपने नोट्स ही देखने पड़ते थे। नोट्स अपने देख लेता तो मेरा काम बन जाता था। इसके बाद में अगर बात करें तो यार बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं अभी इस वीडियो में आपको बहुत सारा नहीं दिखा पाऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा, जैसे ये वाला है, ठीक है, मैं एक एक करके अलग कर देता हूँ। ये देखिए इसमें ये इस तरीके से पूरा मैंने, ये एक एक लाइन जो आप जिसको आप एक लाइन समझ रहे हैं ना, ये एक एक फैक्ट है, और ये कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है, आरओआर में पूछा जा सकता है, आपकी यूपीपी से 2024 में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये सब, मतलब कोई मुझसे कहे भाई 1 लाख रुपये दे दो मैं दे दूंगा, लेकिन कोई मुझसे कहे ये दे दो मैं ये नहीं दूंगा,
मतलब ऐसे हार्ड कॉपी में किसी को, क्योंकि अगर खो गए तो ये मेहनत है, असली मेहनत है ये। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे ज्योग्राफी वगैरह का है, मैप है बना के पूरा किया हुआ है इसको। ये आप इस तरह से देख सकते हैं, पहला अंग्रेज मराठा बैटल है कब हुआ था, दक्कन पाकिस्तान विद्रोह कब हुआ था, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, सब एक एक क्वेश्चन, मतलब आप जब पढ़ेंगे ये मैं आपको सारा सब कराऊंगा। कुछ दिनों बाद मेरा एक वीडियो रोज आया करेगा, कभी कभी हो सकता है कि दो वीडियो में डाल दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कम समय में ज़्यादा तैयार कर लें, एंड टू द पॉइंट तैयारी कर लें। ऐसा ना हो कि 3 महीने बीत गए लेकिन उसके बाद में आपको चीज़ें तैयार ही नहीं है, आपको चीज़ें पता ही नहीं है, आपके पास रिवीजन का टाइम रहे, इसलिए मैं कभी कभी 2-3 वीडियो भी डाल दिया करूँगा। अब ये आपका धर्म बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो से भी सीख लेंगे। तो आप ये वीडियो देखिए, ये सब वीडियोज़ फ्री रहेंगे, इनके वीडियोज़ के थ्रू मैं सारी चीज़ें टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट बताऊँगा। मैं आपके लिए एक मेंटर हूँ तो मैं मेंटर का काम करूँगा, मैं आपको चीज़ें वो बताऊँगा जो आपको नॉर्मली किताब विताब में नहीं मिल रही हैं, या किताब से फिल्टर करके कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तभी तो एक मेंटर का काम हुआ ना। एक गाइड का काम क्या है, अगर मान लीजिए बुक में सारी चीज़ें लिखी हैं, वही चीज़ मैंने अगर आपको वही के वही मैंने छपा दिया पूरा, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। मेंटर गाइड का काम वही है कि जो आपको फिल्टर करे इन्फॉर्मेशन। कोचिंग का रोल तो वही है ना, मेंटर का गाइड का काम वही है कि आपको मेंटर करे, आपको 10 में से 2 चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे, तो फिर आपके मेंटर या गाइड का काम है। आई होप कि आपको इससे आइडिया लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। इसमें देखिए, जैसे इसमें ये जो वर्ण है, दीवाने तन है, मुस्तारफ़ी है, वकिया नवीस है, मुशरफ है, ये क्या होता है, किसका क्या काम होता है, शेख मोहम्मद हुसैनी कहाँ थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब कहाँ के थे, क्या था, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जैसे ये देखिए, मैं इस तरह से कह रहा था, मैं आपसे जो कह रहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस तरह से तैयार करते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण समितियाँ हैं, आपने सारी महत्वपूर्ण समितियाँ एक जगह लिख ली। इसी तरीके से नए राज्यों का गठन वर्ष है, आपने सारी चीज़ें एक जगह तैयार कर ली। इसी तरीके से संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ हैं, उनके अध्यक्ष हैं, एक क्वेश्चन इससे अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपने इसको एक पेज में पूरा यहाँ पर तैयार कर लिया। इस तरह से मैं कह रहा था कि आपको टू द पॉइंट तैयारी करनी है। संविधान सभा की जो महिला सदस्य संख्या है कितनी है, टोटल 15 है, तो आपने इसमें 15 की 15 यहाँ पर लिख ली। ये होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख करके तैयारी करना। इसके बाद में जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो PDF है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो भी अभी लास्ट 6 मंथ्स में हुए हैं, जैसे आयुर्वेदाचार का हुआ था, PCSJ का हुआ था, या और भी अगर कोई हुआ है तो ये सब था, ये सब मैं आपको करा दूंगा, आप चिंता ना करें। तो अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो आपको फिर बोरिंग लगेगा। लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग चैनल पर नए हो, अगर वीडियो अच्छा लगा करें, इंफॉर्मेटिव लगा करें, आगे कुछ काम का हुआ करिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। ऐसे लोग जो महंगी महंगी कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते, या उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बुक नहीं ले सकते, हर नोट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्या पता कि उनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला करे, वो कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।